हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना, फर्स्ट लेडी मेलानिया भी चपेट में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। निजी सलाहकार हॉप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। गौरतलब है कि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और अभी का वक्त वोटरों को लुभाने के लिहाज से ट्रंप के लिए काफी अहम है। हॉप हिक्स के पॉजिटिव आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार की रात खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। दिन में व्हाइट हाउस के सलाहकार हॉप हिक्स कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वे कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे उनके चुनावी अभियान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। हॉप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, हॉप हिक्स जो एक छोटे से ब्रेक के बिना भी इतनी मेहनत से काम करती हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, हैरान करने वाला है। द फर्स्ट लेडी और मैं कोरोना टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तब तक हम अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के जल्दी ठीक होने की कामना की। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के निजी सलाहकार हॉप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेलानिया ट्रंप का भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।